गुड मॉर्निंग बच्चों, संस्कृत पाठ 9 आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है ज्ञान गंगा। तो ध्यान से सुनिए। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हिंदी में अनुवाद। प्रतिदिन बुजुर्गों की सेवा और अभिवादन करने वाले विनयशील की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ती जाती हैं। सेकेंड श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हिंदी में अनुवाद। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं अर्थात पूरे होते हैं, केवल मनोकामना करने से नहीं, क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में पशु प्रवेश नहीं करते अर्थात उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। थर्ड श्लोक है, परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय वहंती नदः परोपकाराय दुहंति गावः परोपकारार्थं मिदं शरीरम। हिंदी में अनुवाद। पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गायें परोपकार के लिए दुहती हैं अर्थात दूध देती हैं, यह शरीर परोपकार के लिए है। फोर श्लोक है, सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम प्रियम प्रियम नानित्रम ब्रुयात ऐसा धर्म सनातन। हिंदी में अनुवाद। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए और न ही प्रिय झूठ बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। लास्ट श्लोक है, विपत्ति धैर्य मत्था भूयुद्य क्षमा सदसी वाक् पटुता युद्ध विक्रमः यशसी चार रुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्म नाम। हिंदी में अनुवाद। विपत्ति में धैर्य बनाए रखना, उन्नतिशील होने पर क्षमावान बने रहना, सभा में वाणी चातुर्य से प्रभावित करना, युद्ध में पराक्रम दिखाना और कीर्ति पाने पर अभिमान न करना तथा वेदादि शास्त्रों में रुचि रखना, यह सब निश्चित ही महात्माओं का स्वभाव है। तो बच्चों, इसमें आप लोग शब्द अर्थ कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।